राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या से क्षत्रिय समाज आक्रोशित है और उनके हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहा है। क्षत्रिय समाज के लोगों ने इस आक्रोश के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर क्षत्रिय समाज के लोगों ने करणी सेना के अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगा मेडी को श्रद्धांजलि अर्पित की। करणी सेना के अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेडी की 5 दिसंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। क्षत्रिय समाज के विजय सिंह सिलनकी ने कहा कि सुखदेव सिंह की हत्या बहुत ही दुखदायी घटना है। जब तक दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिलेगी तब तक क्षत्रिय समाज चैन से नहीं बैठेगा। श्रद्धांजलि के दौरान बार एसोसिएशन के वीरेंद्र सिंह चौहान और राम कुंवर चौहान ने इस हत्याकांड की निंदा की। श्री सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी को ये जो आत्महत्या हुई है ये पूरे क्षत्रिय समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है। और अगर इसी तरह से जो है इस तरह से होता रहा, इस पर कोई एक्शन नहीं होता है तो क्षत्रिय समाज एक जगह इकट्ठा होकर इसका जो है ये विद्रोह तो करेगा ही, इसके लिए तो यह आंदोलन भी किया जाएगा। इसका पूर्ण उत्तरदायी जो है हमारी भारत सरकार का होगा। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इनके हत्यारों को जो है फांसी की सजा दी जाए। बाकी मैं ये कहूँगा अपने संगठन के सभी बंधुओं से प्रार्थना करूँगा कि थोड़ा संतोष से धैर्य से काम लें और इनकी आत्माओं की शांति के लिए सब मौन व्रत करके इनकी आत्माओं के लिए शांति की प्रार्थना करें। बाकी जिस तरह से इन्होंने संघर्ष किया है उसको सदैव राजपूत क्षत्रिय सभा जो है उसका अभिनंदन करती है और इनको हमेशा याद किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी समाज के एक लोकप्रिय व्यक्ति थे, क्षत्रिय समाज के एक पुरोधा थे, योद्धा थे। उनके नेतृत्व में क्षत्रिय समाज इस भारतवर्ष में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा था। उनकी हत्या करके समाज को एक बहुत बड़ी क्षति पहुँचाई गई है, विशेष तौर से क्षत्रिय समाज को एक बहुत बड़ी क्षति पहुँचाई गई है। हम इसकी निंदा करते हैं। हम भारत सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हर व्यक्ति को सरकार सुरक्षा प्रदान करे। यह निंदनीय कृत्य करने वाले लोगों को फांसी दी जाए। हम इस क्षति के लिए अत्यधिक दुखी हैं। सारा समाज सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या से दुखी है। आज हर व्यक्ति ये मांग कर रहा है कि न्याय होना चाहिए, हत्यारों को फांसी दी जानी चाहिए। जो निर्मम हत्या हुई है उससे हमें बहुत क्षति पहुँची है क्षत्रिय समाज को, और मैं ये मांग करता हूँ कि उनकी जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।